तो आ गए आप दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छी होगी। दोस्तों मेरा नाम है शाहिद और आप सब देख रहे हैं हम सबका चैनल टेक्निकल एसके। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि हमें हर महीने 3500 रुपए का रिचार्ज कराना पड़ता है एयरटेल की सिम में, आइडिया को, या फिर ये दो चार टेलीग्राम कंपनियां हैं उनमें 3500 रुपए का रिचार्ज कराना पड़ता था। दोस्तों अगर हमारे कई व्यूवर्स हैं जो उनको नहीं पता है कि ये 3500 रुपए रिचार्ज कैसे क्यों है, तो उनके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि दोस्तों हमारे जो एयरटेल आइडिया वाले थे ना, उन्होंने एक नया प्लान निकाला था। जैसे कि अगर हम फोन अगर करते हैं तब तो हमारे पास बैलेंस होता ही होता है, लेकिन हम फोन आएगा तब भी हमारे फोन में बैलेंस रहना चाहिए। जैसे कि हर महीने 3500 रुपए रिचार्ज कराना पड़ेगा तभी हमारी जो इनकमिंग कॉल है वो आएगी, और आउटगोइंग वगैरह जब कर पाओगे, मतलब कहने का मतलब ये है कि हर महीने आपको 3500 रुपए रिचार्ज करना पड़ेगा तभी आपकी सिम जो चालू रहेगी, नहीं तो आपके सिम में ना फोन आएंगे ना ही आप कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से प्रोसेस जो था हमारी सिम में अब तक चल रहा था। और दोस्तों अगर आपके फोन में, अगर आपके सिम में अगर ये अब तक एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो आने वाले 3-4 दिन में ये सभी फोनों पर हो जाएगा, और काफी सारे फोनों पर कंपनियों सिमों पर हो चुका है, ना तो कॉल लग रही है ना आ रही है। तो दोस्तों 3500 रुपए रिचार्ज उन्होंने कंपनी ने उस पर रखा था। और दोस्तों इस 3500 रुपए रिचार्ज से किस तरह से हम छुटकारा पा सकते हैं, इसी वीडियो में हम इस बारे में बात करने वाले हैं। तो लेट्स गो फॉर स्टार्ट। तो दोस्तों 3500 रुपए रिचार्ज से कुछ इस तरह से आपको छुटकारा मिलेगा। जैसे कि अब तक के हमें 3500 रुपए के रिचार्ज में 26 रुपए बैलेंस मिलता था और हम कॉल लगा भी सकते थे और 28 दिन के लिए कॉल आता भी था। अब दोस्तों कंपनी ने एक नया प्लान निकाला है, जैसे कि उसमें आप 26 रुपए रिचार्ज कराओगे तो आपको बैलेंस नहीं मिलेगा, लेकिन आपके पास कॉल है वो आ जाएंगी आराम से। जैसे कि अब आपने 26 रुपए रिचार्ज करा लिया तो उसमें आपको बैलेंस नहीं मिलेगा, लेकिन आपके पास जितने भी कॉल है वो आ जाएंगे, कॉल जो आते रहेंगे, लेकिन आप इधर से नहीं लगा पाओगे। अगर आपके पास अगर 2-4 पैसे पड़े तो मिस कॉल दे सकते हो। दोस्तों ये इस तरह से आप छुटकारा पा सकते हो 3500 रुपए रिचार्ज से। आप 26 रुपए रिचार्ज करा लीजिए, कंपनी नया प्लान निकाला है। और दोस्तों अगर आपके फोन में जियो की सिम भी है और एयरटेल की भी है तो उनके लिए काफी अच्छा प्लान है। मेरे पास भी एक एयरटेल की एक जियो की है, तो हमारे जो एयरटेल का नंबर है वो हर जगह फैला हुआ है तो उस पर कॉल ज्यादा आते हैं, और जियो का है वो कहीं नहीं है। तो हम कॉल हमारे कल कॉल करते हैं तो हम जियो वाले से कर लेते हैं, और हमारा जो 26 रुपए रिचार्ज हम एयरटेल वाले पे करा लेते हैं तो हमारे जो सभी फोन है उस नंबर पर आ जाएंगे आराम से। हमारे बैंक डिटेल वगैरह जो बैंक में जो हमारे नंबर दिए गए होते हैं, हर जगह पर्सनल जगह कई जगह नंबर दिए होते हैं, वो उस पर कॉल आ जाता है आसानी से। तो दोस्तों आशा करते हैं आप समझ चुके, अगर नहीं समझे तो हम कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसमें जो रिप्लाई देंगे आपका। और दिल की प्यारी प्यारी बातें कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर यार रिप्लाई जरूर मिलेगा। और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पहले से ज्यादा।